नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बारूपाल म्यूजिक वर्ल्ड में। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं गुरुवर रामेश्वरानंद जी तीर्थ की बहुत ही शानदार रचना गुरु महिमा के भजन। तो सतगुरु राजा ज्ञान का, सतगुरु राजा ज्ञान का तो देवे मुक्ति को गाँव, मोर छाप निज नामरी जुग जुग रे वे नाम, अब नहीं भूलो हरी राम सतगुरु के रावण। बाल खटू दे प्रेमरी कोई जाने संत सुजान, बाल खटू के प्रेमरी कोई जाने संत सुजान। भजन गुरुदेव का हम करते रहेंगे, भजन गुरुदेव का हम करते रहेंगे तो संसार सागर से तरते रहेंगे। भजन गुरुदेव का हम करते रहेंगे, भजन गुरुदेव का हम करते रहेंगे संसार सागर से तरते रहेंगे, संसार सागर से तरते वो तरते रहे वो तरते भजन गुरुदेव का हम करते रहेंगे, भजन गुरुदेव का हम करते रहेंगे वो संसार सागर से तरते रहेंगे, वो संसार सागर से तरते रहेंगे वो तरते करते रहेंगे। कृपा नाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपा नाथ किसी दिन, कृपा नाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपा नाथ किसी दिन मिलेंगे किसी दिन, कृपा नाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। तो सत्संग के पथ पर गुजरते रहेंगे, तो सत्संग के पथ से गुजरते रहेंगे, सत्संग के पथ से गुजरते रहेंगे, तो सत्संग के पथ से गुजरते रहेंगे। भजन गुरुदेव का करते रहेंगे, भजन गुरुदेव का करते रहेंगे तो संसार सागर से तरते रहेंगे, तो संसार सागर से तरते रहेंगे वो तरते
भजन गुरुदेव का करते रहेंगे, भजन गुरुदेव का करते रहेंगे, संसार सागर से तरते रहेंगे, जो संसार सागर से तरते रहेंगे, वो तरते होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा क्लेश कभी मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, अपनी बड़ाई से डरते नहीं, जो अपनी बड़ाई से डरते, अपनी बड़ाई से डरते, भजन गुरुदेव का करते रहेंगे, भजन गुरुदेव का करते रहेंगे, जो संसार सागर से तरते रहेंगे, जो संसार सागर से तरते रहेंगे, वो तरते वो तरते वो तरते छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, दृग बिंदु से रोज भरते रहेंगे, दृग बिंदु से रोज भरते, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, करते जो संसार सागर से करते, भजन गुरुदेव का करते रहेंगे, जो संसार सागर से करते, जो संसार सागर से करते, उतरते 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 रहेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, हर हर महादेव नाथ की। भजन गुरुदेव का जो करते रहेंगे, भज सेवा राम, भज सेवायाम, सेवा जो है उसी को भजन का है। भजन का अर्थ यह नहीं है भजन गाना, भज सेवायाम, गुरु की आज्ञा का ही पालन ही भजन है।
गुरु तो दृष्टि से ही निहाल कर देते हैं, कुछ कहते नहीं है तो भी उनकी नजर भी जो पड़ जाए उसके ऊपर समझ लो निहाल, नजरों से भी निहाल कर देते हैं गुरु, वो होते हैं गुरु। जब कहा सतगुरु राजा ज्ञान का, देवे मुक्ति का गांव, मोर छाप निज नावरी जुग जुग रेवे नाव। एक युग में नहीं, एक युग में कोई अगर सीट दे दी एक बन गया थोड़ी देर के लिए, 5 साल से तो रोड पे घूमते हैं, वो तो जुगो जुग नाम रहे उसका, ऐसा बना देते हैं बादशाह। ये गुरु की महिमा है। भजन गुरुदेव का करते रहेंगे तुम संसार सागर से तरते रहेंगे, कभी संसार में डूबेंगे नहीं। जैसे कमल तैरता है जल पे, वैसे तैरना आ जाए बस, और तैरना उसी को आएगा जो भजन सेवा करेंगे। भगवान कृष्ण ने जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो भगवान ने कहा भी मेरी कोई, मैं भी कुछ इसमें भाग लेना चाहता हूं। हाँ प्रभु लीजिए, कि जितने संत लोग जो भोजन करेंगे उसकी झूठी जो पतले हैं वो मैं उठाऊंगा, ये मेरा काम। देखो इसको कहते हैं कर्तृत्व क्रम, कर्तृत्व जो करके दिखाना, उपदेश नहीं देना। झाड़ू ऐसे निकाला जाता है, ऐसे सफाई होती है, ऐसे पोछा लगाया जाता है, ऐसे कपड़े धोए जाते हैं, या ऐसे आरती, ऐसा नहीं, उपदेश नहीं दिया, करके दिखाना, उसको कर्तृत्व कर्म का कर्म का है। भगवान जैसे, कृष्ण जैसे, राम जैसे, मर्यादा पुरुषोत्तम, राम कृष्ण से कौन बड़ो, वो भी सतगुरु कीन। उन्होंने भी पूछा हम कहां ठहरे प्रभु, जो ब्रह्म था व्यापक वो भी पूछ रहे हैं। तो गुरु ने कहा भाई ये तो आप तो कहां नहीं हो, सब व्यापक हो, फिर भी उन्होंने ऐसी गुरु की मर्यादा रखी। तो सेवा भज सेवायाम, भजन गुरुदेव का करते रहेंगे तुम संसार सागर से तरते रहेंगे। कृपानाथ व्यसन मिलेंगे किसी दिन, वो तो कृपा के नाथ हैं, उनके यहां कृपा की कोई कमी थोड़ी है। जो सत्संग के पद से गुजरते रहेंगे कृपा उन्हीं पे होगी, जो रोजाना सत्संग के पद से गुजरते हैं। देखो सत्संग आदमी, आज ये सत्संग हो रहा है और सत्संग रोज करना चाहिए, तो कहा भी रोज तो कोई कहां करे सत्संग। आप 4 आदमी 10 आदमी बैठो तो सत्संग हो सकता है, आप 2 आदमी बैठो तो भी कोई सत्संग कर सकते हैं, और अकेला आदमी भी सत्संग कर सकता है, वो भी रामायण लेके बैठ जाए, कोई गुरु गीता लेके बैठ जाए, वो भी सत्संग अकेला कर सकता है, पर करना रोज चाहिए, उसे सत्संग कहते हैं। कृपानाथ बेशक वो बेशक कृपा करते हैं, पर किसके ऊपर, जो सत्संग के पद से गुजरते रहे हरदम। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाते जा, हरदम सत्संग के पद से गुजरते रहेंगे, भजन गुरुदेव का करते रहेंगे तो संसार सागर से हम तरते रहेंगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, अगर आप भजन करोगे तो सबके दिल में बस जाओगे। क्योंकि ऐसे आदमी होते हैं जैसा वो, अरे वो तो भगवान का रूप, क्या आदमी था सा, उस आदमी का जो जीवन चला जाता है फिर भी लोग उसको याद करते हैं, क्यों, वो लोगों के दिल में बस गया है?
चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। जीवन में किसी प्रकार का अभिमान ना आ जाए, ये चिंता रोज करते रहना चाहिए। अभिमान आदमी को डुबो देता है। जीवन में किसी प्रकार का अभिमान ना आए, बस ये ख्याल रखना आप पूरा। अभिमान रूपी चिंगारी ऐसी है कि एक चिंगारी वैनी तो ही गांव पाटे उतार दे, ये वह विराट रूप धारण कर लियो है। तो चिंगारी भी वो अभिमान की ऐसी दुखदाई होती है। किसी प्रकार का अभिमान, क्या अभिमान? ये जीवन परमात्मा का। मैं एक बात पूछूं आपको कि आप के मूछ पे एक तरफ बाल कितने बता सकते हैं? तो फिर किस बात का अभिमान? आपके मूछ के एक तरफ के बाल भी गिन के नहीं बता सकते हम तो। उसकी ऐसी लीला है महाराज, उसने ऐसा काम किया है गिनती है ही नहीं। आपके एक तरफ के मूछ के बाल आप मूछा तो रखते हैं, मूछ के बाल का पता नहीं है। मेरे एक तरफ के बाल के मूछ के कितने बाल हो सकते हैं पता ही नहीं। फिर अभिमान किस बात का? ये भी गिनती हमको याद नहीं है। तो किस बात का अभिमान? सारा जीवन तो भगवान का दिया हुआ है, वो कभी भी जाए अपना वापस ले सकता है। इतना भगवान ने सुंदर शरीर बनाया और उसमें एक बुद्धि रूपी यंत्र ऐसा लगाया है, अगर वो नहीं वे बुद्धि नहीं तो आदमी की दो कौड़ी में भी नहीं चल सकता। कितना भी वो मतलब करोड़पति के घर में जन्म लिया हुआ, अगर उसके अंदर बुद्धि नहीं है ना तो घर वाले उसको सांकड़ से बांध के रखते हैं घर में भी। कैसा बंदा हुआ, कैसे कैसा स्क्रू ढीला जोड़ा है, या पागल खाने में रह गए। तो बुद्धि रूपी जो यंत्र परमात्मा ने ऐसा सुंदर लगाया है, उससे इंसान की कीमत है और वो कभी भी वापस ले सकता है अपनी अब चीज है, क्योंकि उसकी कंपनी में बुद्धियां बनती है। आई समझ में? और अपन है तो सामान तो किसी और का, और अपन बीच में अभिमान करके बैठे हैं कि मैं भी कुछ हूं। क्या हो बताओ? कुछ नहीं। तो इसलिए अगर जो आगे बढ़ना तो अभिमान की कोई चिंगारी जीवन में नहीं रहे, ये ख्याल रखना पक्का। आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता है, आप भी ऊंचा बैठने से बड़ा नहीं होता है। आदमी जिसके अंदर सद्गुण है, ऊंचे थे तो ऊंचो नहीं, ये तो ऊंचे हमने आप लोगों ने हमको बिठाया है एक मर्यादा से, बाकी और आप में हमारे में क्या फर्क है? ऊंचे थे तो ऊंचो नहीं, ऊंचो तो गुण कर होए। सारुताली में हरदाल जी महाराज ने लिखा है कि आदमी ऊंचा बैठने से कभी ऊंचा नहीं होता है, ऊंचा तो गुणों से ऊंचा होता है। जिसके अंदर वो विद्या आ जाती है, वो ज्ञान आ जाता है, वो ऊंचा होता है। ऊंचा गुण कर होए कि काग अटारी पर बसे तो क्या खगपति होए। जो काग होता है वो राजा की अटारी के ऊपर, महल के ऊपर की जो है कलश पे जाके बैठ जाए तो खगपति कैसे है? खग माने पक्षी, उनका पति कौन? गरुड़। पक्षियों का राजा कौन है? पक्षियों का राजा है गरुड़। खग पति, पति कहते हैं श्रेष्ठ जो पक्षियों का राजा गरुड़। तो कागला जाकर के ऊंचा बैठ जाता तो कभी गरुड़ बन सकता है क्या? वो नहीं बन सकता। काग अटारी पर बसे तो क्या खगपति होए, नहीं बन सकता राजा। इसलिए गुणों से आदमी की कीमत होती है। जब गुरु के ये गुण कब आएंगे? कि गुण तो उसमें आते हैं कि जो न्यूनता है, न्यून बड़ी संसार में, निवे नहीं निवे सो नीच, निवे नदी रो गूंद रो रेत नदी के बीच, आम निवे नीम निवे निवे नींबू और ताक, अरंड बिचारा क्या निवे जिनकी ओची साख। आम भी निवे केवल फल लागे नहीं अंबा, जन वो डाली नीचे झुकिया करे। नीमड़े रे फल लागे तो वह भी डाली नीचे झुकिया करे। नींबू फल लागे तो नींबू वह डाली नीचे झुकिया करे। पर अरंडी हो या करे अरंडी हो,
वो कभी नीचे को झुके नहीं, वो तो ऊंचो ही ऊंचो जाए। क्यों क्यों जाए ऊंचो बताओ? क्योंकि उन्हें जड़ा नीचे ओची वे ओचे जड़ा नाडिया तो बड़ियों पहले ही खूटे रे कि नुगरे री प्रीत तो बोलियों पहले ही टूटे रे। इन वास्ते वो ऊंचो जावे। जिसकी बुद्धि ओची है उसको आदमी को मतलब वो उसकी कोई कीमत नहीं समझ, वो सबसे नीचा है। अपने आप को कहे चाहे ईमान से कैसे ही समझ ले वो कि उससे छोटा कोई आदमी नहीं संसार का। इसलिए जो है बढ़ना है तो अभिमान का ऐसा ख्याल रखना है, हे गुरुदेव आप अगर कृपा करो तो मेरे अंदर कोई अभिमान की चिंगारी न रह जाए, ये कृपा रखना आप। तो चढ़ोगे हृदय पर, सबके हृदय में अगर बसना है तो अपने अंदर से अभिमान को निकाल करके बाहर फेंक देना होगा, तो आप सबके हृदय में बस सकते हैं। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, भजन सदगुरुदेव गुरुदेव का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, अगर आप भगवान का भजन करोगे तो कभी मन में आपके क्लेश नहीं आएगा, कभी दुख नहीं फटेगा, नजदीक ही नहीं आएगा। ये माताओं बहनों मिर्चों कूटिया करे नहीं तो मिर्चों आते हुए छठे को नहीं क्या कि पहले तेल चौपड़ दिया करे आते मिर्चों कूटे नहीं ये पहले हाथों ने तेल चौपड़ दिया करे और मिर्चो चढ़े को नहीं। तो जो गुरु शरण में रहे तो उठे दुख कट रहे, दुख तो आगो आगो फिर सी हो। तो इसलिए अभिमान तो वहां जाएगा जो गुरु के नजदीक नहीं हो, जो सत्संग नहीं करता है, जो कभी स्मरण नहीं करता है। जिनकर कथा कीर्तन हररी संत नहीं मिजमाना, उनकर जमणो डेरा दिया भाई हूना ढूंढा पड़िया रहे तो उड़ी तो गदा ही बड़ी बड़े। तो अगर आप भजन नहीं करोगे तो आपका ढूंढा होना है उनमें कोई याद नहीं रह सके, संसार में कई भूत बढ़ जाना क्या जाना फलौन जगह पर्चो पड़े उठे भोपो जी बहुत जो देख कर बाबू जी आका लेन जाओ तुरंत थोड़े वजह ही फायदो वे उठे वो चक्कर में पड़ गई के बाबू जी मारतों के घर में हल पड़े गोली भोपो जी तो कहते बैठा इन वहां से देख आयो विग्रह के भाई थार तो के पहली रो कोई देवता रहे वन लीजान उठ पुष्कर गाल के गया जी गाल के वो काम है था आठा बन वन मरियो नहीं होबर हो गया। मतलब है कि आदमी चक्कर में पड़े। ये दुनिया ठगीजती है कोई ठगने वाला चाहिए, दुनिया ठगीजी में तैयार बैठी है कोई ठगने वाला चाहिए, ठगीज रही है। तो मंगल गिरि जी महाराज गए गोपा डोपा समझे नहीं सतपुरुषानी सैन, जो भोपा है नहीं वे डोफा बन गए डोफा गए भोपा डोफा समझे नहीं सतपुरुषानी सैन, सतपुरुषानी बात तो हमारे समझ में वो नहीं आया करे। अरे वो चक्कर में लोग ज्ञान नहीं वे पड़ जावे बस घसीटता जावे जी। वो वकील वे नहीं उन केस लंबो करते जावे अगली पैसी मत आई जो अगली तारीख कई सालों बीत जा जे वो भोपो छोड़े को नहीं पते अगली अब कह फेरी दो कोई फेरियो देखो फेरियो एड़ो काम है। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे अपनी बड़ाई में डरते हो। अगर अपनी कोई बुराई करे तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है, पर कोई बड़ाई करे तो उन्हें डरनो चाहिए। बड़ाई करे तो समझो अपनी भजन कम हो रही है, बड़ाई नहीं करना चाहिए। निंदा कर तो ठीक है, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, वो परमात्मा वो सदगुरु दिल छलक जाला पर क्यों छलकेला जो दृग बिंदु से रोज भरते रहो। दृग कहवे नेत्र ने, भाई आपने गीता पढ़नी नहीं आवे, रामायण पढ़नी नहीं आवे, मान लो घर काम भी इतरो का आप इतो काम रे मैंने ज्यादा तीन घंटा बैठ माला ही नहीं फिर सको, योग भी नहीं कर सको,
पर 5 मिनट रोवणो तो आवे कोनी आवे। भगवान आगे बैठ गई रोया पे, हे भगवान तू मन कितो न्याल करी हुई। 2 मिनट उन आगे प्रेम सुगड़ी कि मैं कितनी गलतियां करी मुला, अपनी गलतियों माते कितनी रोया, रोवणो तो आवे कोनी आवे। अरे भाई गोपियों पोटा थेपती गायो रहा भगवान नचावती रोजी ना कि आप एक बार नाच बताओ तो अच्छा गानूंगा, नहीं तो कौन गानूंगा। धन्यवाद भजन को सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।